एक बेहतरीन ट्रिक और एक बेहतरीन शॉर्टकट मेथड कंपेयरिंग ऑफ एक्सपोनेंट इन पावर। इस पर कंपेरिजन करना कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी एंड अदर एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां देखिए, इसमें एक पैटर्न देखिए, जैसे वन और टू इसको छोड़ करके, जैसे आपके पास कोई ऐसा कंडीशन है बेस और एक्सपोनेंट का कि फर्स्ट बेस दूसरे का एक्सपोनेंट है और दूसरे का बेस फर्स्ट का एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। इस कंडीशन में आपका जो रिजल्ट आएगा वो जो हाईएस्ट आपका पावर होगा वही नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ वन और टू को छोड़ करके। जैसे आपका मान लीजिए वन स्क्वायर और टू टू दी पावर वन, इस कंडीशन में आप देखते हैं कि यहाँ लोएस्ट आपका पावर है ये इससे ग्रेटर देन है, लेकिन इसको छोड़कर आप कोई भी नंबर आए वन टू, इसका कंपेरिजन दूसरे नंबर को छोड़ करके करते हैं तब वो कंडीशन हमको एक मिलेगा। ट्रिक क्या कि जैसे मान लीजिए थ्री टू दी पावर फाइव है और फाइव टू दी पावर थ्री है, इस कंडीशन में आपका कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो आंख मूंद के जो आपका ग्रेटेस्ट पावर, बेस निगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट पावर है उसको आप क्या कर दीजिए, ग्रेटर कर दीजिए, ठीक है। एकदम सुपर ट्रिक समझिए इसको। जैसे मान लीजिए 25 टू टू दी पावर फाइव और यहां आएगा फाइव टू दी पावर टू, आंख मूंद के क्या कर दीजिए, जो ग्रेटेस्ट आपका पावर है उसको क्या कर दीजिए, ग्रेटर कर दीजिए, ठीक है। अब कभी कभी रहता है कि इस कंडीशन को छोड़ करके दूसरा भी आपका आता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा नंबर है, बड़ा सा नंबर जैसे मान लीजिए 20 टू दी पावर 25 और यहां 25 टू दी पावर 20, इस कंडीशन में कौन सा होगा, तो ये ग्रेटेस्ट पावर है, इस ग्रेटेस्ट पावर को ही हम लोग बड़ा कर देंगे, ठीक। एक आपके पास न्यू प्रॉब्लम आ गया, जैसे मान लीजिए इससे ज्यादा हो, जस्ट लाइक जैसे आपका 4 टू दी पावर 40, 3 टू दी पावर 50, 5 टू दी पावर 60, इसमें आपका कौन सा ग्रेटेस्ट है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम क्या करते हैं हम लोग, एच सी एफ ऑफ पावर, पावर्स का एच सी एफ ले लेते हैं, तो एच सी एफ ऑफ पावर कितना हो जाएगा, 40, 50 और 60 का एच सी एफ, ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज कीजिए जो तीनों को डिवाइड कर दे, तो ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो 10 है, ठीक है ना, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, रिड्यूस पावर, पावर को क्या करना है, रिड्यूस कर देना है। रिड्यूस करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, 4 टू दी पावर 40 है तो इसमें एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे, इसका वैल्यू आएगा 4 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए यहां 3 टू दी पावर 50 है, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से, ये हो गया आपका 3 टू दी पावर 5, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स। अब ये 5 टू दी पावर 60 है, ठीक है, तो 5 टू दी पावर 60 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 टू दी पावर 6, ये वैल्यू आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक। अब इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट निकालने के बाद जितना आपका जो ग्रेटेस्ट नंबर आता है वो उसका क्या हो जाएगा,